गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? गुड। चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना अटेंडेंस बना लेंगे, है ना? आपको पता ही है कि अटेंडेंस कैसे बनाना है। कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, ठीक है? अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है? पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए हो गया, अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने, गुड। चलिए आज हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो है मैंने आपको कौन सा साउंड पढ़ाया था, चैप्टर 16 में हम लोगों ने साउंड ऑफ डबल एस पढ़ा था, है ना? और उसके बाद मैंने बताया था कि दो और साउंड है, साउंड ऑफ सी के, उसके बाद साउंड ऑफ एन जी। तो आज हम लोग कौन सा साउंड पढ़ेंगे, साउंड ऑफ सी के वर्ड्स, ऐसा वर्ड जिसके शुरू में, बीच में या लास्ट में कहीं पे भी सी के वर्ड आता हो, है ना? चलिए नोटबुक निकाल लीजिए और पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए, ठीक है? और मैं लिखती हूँ, मेरे साथ बोलते हुए लिखिएगा। चलिए पढ़िए तो इसको, एल ओ सी के, लॉक, है ना? ये क्या है, सी ओ सी के, कॉक। फिर क्या है, एम ओ सी के, मॉक। चलिए अब क्या है, आर ओ सी के, रॉक। चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे, डी यू सी के, डक। चलिए ये क्या है, बी यू सी के, बक। चलिए अब इसको क्या पढ़ना है, टी आर यू सी के, ट्रक। चलिए अब यहां क्या पढ़ेंगे, बी आर आई सी के, ब्रिक। अब क्या है, टी आर आई सी के, ट्रिक। चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे, एस टी आई सी के, स्टिक। चलिए लिखने के बाद क्या करना है, इसी तरीके से दो लाइन खींचना है और इसको टू टाइम्स और लिखना है, ठीक है? चलिए एक बार मेरे साथ पढ़िएगा, क्या है पहला, एल ओ सी के, लॉक, है ना? सी ओ सी के, कॉक। एम ओ सी के, क्या है ये, मॉक। आर ओ सी के, क्या है ये, रॉक। फिर है बी यू सी के, डक। बी यू सी के, बक। टी आर यू सी के, इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रक। फिर है बी आर आई सी के, ब्रिक। फिर है टी आर आई सी के, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रिक। और फिर क्या है, एस टी आई सी के, स्टिक, ठीक है? चलिए इसको लिखिए तो, हाँ, और लिखने में क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आप ऊपर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे इंग्लिश, है ना? उसके बाद क्या करेंगे, पहला जो लाइन है वो आप लिखेंगे साउंड ऑफ सी के वर्ड्स, है ना? उसके बाद सेकंड लाइन से आप लोग ये लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 to 10। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए पहले।
चलिए लिखिए आप लोगों ने। चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए अब 11 to 20 लिखते हैं। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? STOCK स्टॉक है ना। अब क्या है? FROCK फ्रॉक। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? इसको तो आप सब जानते हैं, NECK नेक है ना। नेक मीन्स गर्दन। चलिए यहाँ क्या है? SOCK सॉक। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? KICK किक। चलिए अब क्या है? BACK बैक। अब क्या है? SACK सैक। चलिए अब क्या है? HACK हैक। चलिए इसको क्या पढ़ना है? TRACK ट्रैक। चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे? BLACK ब्लैक है ना। इस समय में क्या है? लास्ट में क्या आ रहा है? समय CK साउंड आ रहा है, ये भी CK वर्ड से हुआ। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला है STOCK, इसको क्या बताया अभी मैंने? स्टॉक है ना, स्टॉक बोलते हैं। फिर है FROCK फ्रॉक, NECK नेक, SOCK शॉक, सॉरी सॉक बोलते हैं शॉक में। फिर है KICK किक, BACK बैक है ना, SACK सैक, HACK हैक, TRACK ट्रैक और BLACK ब्लैक। चलिए ये जो है सैक, इसको मिटा के दूसरा बना देते हैं, ठीक है, शॉक कर देते हैं इसको, ठीक है, SHOCK शॉक। चलिए ये जो 11 to 20 है इसको नोट कीजिए और बगल में दो लाइन जो है इसको भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अगर नहीं लिखा है तो मैं एक बार और आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग सुनेंगे, ठीक है। बोलते हुए लिखिएगा तो आपको बोलना भी है ताकि आपको याद हो, ठीक है। चलिए पढ़िए। STOCK स्टॉक है ना, FROCK फ्रॉक, NECK नेक, SOCK सॉक, सॉक बोलते हैं मोजा को। फिर है KICK किक, फिर है BACK बैक, फिर है SHOCK शॉक, फिर है HACK हैक, TRACK ट्रैक है ना, BLACK ब्लैक।
इसी तरीके से सी के साउंड जो है बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 20 लिखाया है, उतना काफी रहेगा आपको याद करने के लिए। अगर एक दिन में नहीं होता है तो आप 5-5 करके याद करो, ठीक है, 3-4 दिन लगेगा, लेकिन ऐसा याद कीजिए कि आपको याद ही रहे, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, और जो भी पिछला मैंने साउंड नेम सब लिखाया है, अगर आपने वो नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो सब जो है उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारा साउंड नेम अभी तक लिखा दिया है, आई होप आप लोगों ने उसे लिखा होगा अपने नोटबुक में, है ना, और याद करके भी सुनाया ही होगा। नहीं किया है तो प्लीज उसको याद करके सुनाएंगे, ठीक है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, अगले दिन मैं आपको इसमें जो एक और साउंड बच रहा है एन जी साउंड, है ना, इसमें भी आपको 20 वर्ड्स लिखवा दूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।